रामायण के बाद आखिर हनुमान जी कहां चले गए? क्या वो आज भी हमारे बीच हैं? क्योंकि वो अमर हैं, तो क्या वो आज भी धरती पर घूम रहे हैं? प्रूफ देखकर आप भी चौंक जाएंगे, और हम आपको एक खास जनजाति के बारे में भी बताएंगे जिनसे मिलने हनुमान जी आते हैं और उन्हें ज्ञान देते हैं। तो क्या है ये सारी सच्चाई, जानने के लिए बने रहना इस वीडियो के अंत तक। ऐसी ही रहस्यमय इंफॉर्मेशन जानने के लिए मिस्ट्री ऑफ गॉड चैनल को सब्सक्राइब करें। वाल्मीकि रामायण के अनुसार जब हनुमान जी माता सीता की खोज करते हुए लंका में पहुंचे और उन्होंने भगवान श्री राम का संदेश सुनाया तो वे प्रसन्न हुई। उसके बाद माता सीता ने हनुमान जी को अपनी अंगूठी दी और अमर होने का वरदान दिया, और तब से लेकर अब तक वे इस धरती पर हैं और कलयुग के अंत तक वह इस धरती पर ही रहेंगे। जब तक कल्कि अवतार का जन्म नहीं हो जाता और वो कलयुग का अंत नहीं कर देते, तब तक हनुमान जी धरती पर भ्रमण करते रहेंगे। त्रेतायुग में जब तक श्री राम इस पृथ्वी पर थे, तब तक हनुमान जी उनके साथ ही अयोध्या में रहे और उनकी सेवा करते रहे। और श्री राम के जाने के बाद हनुमान जी वन में चले गए, और उसके बाद उन्होंने पूरे त्रेतायुग वहीं पर बिताया। इसके बाद त्रेतायुग में हनुमान जी के बारे में और कोई किस्सा सुनने को नहीं मिला था, और त्रेतायुग के बाद आया द्वापर युग। दोस्तों, रामायण के बाद महाभारत में दो बार हनुमान जी के होने की बात की गई है, यानी कि त्रेता युग के खत्म होने के बाद द्वापर युग में भी इनके इसी धरती पर होने की बात की गई है। पहली बार द्वापर युग में हनुमान जी का जिक्र भीम द्वारा किया गया था। जब भीम जंगल में थे तो रास्ते में उन्हें एक बुजुर्ग वानर मिला। भीम ने उन्हें अपने रास्ते से हटने के लिए कहा, लेकिन उस वानर ने कहा कि तुम ही हटा दो, मुझमें इतनी शक्ति नहीं रही। तब भीम ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी, पर उस वानर को हिला तक न सके। तभी भीम समझ गए कि ये कोई साधारण वानर नहीं है। फिर भीम ने उनसे क्षमा मांगकर उस वानर से अपना असली रूप दिखाने के लिए कहा। वे हनुमान जी थे। तब भीम को बहुत ही आश्चर्य हुआ था। भगवान हनुमान जी को देखते ही भीम हैरान हो गए थे। वे उन्हें देखते ही एकटक बस देखते रह गए। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि सच में ये हनुमान जी हैं। असल में भगवान हनुमान जी भीम की शक्ति का घमंड तोड़ने का सबक देने आए थे। उस वक्त भीम को अपनी शक्तियों पर बेहद घमंड हो गया था, उसे ही तोड़ने के लिए हनुमान जी ने यह किया था। इसके बाद हनुमान जी अर्जुन के रथ पर उनका ध्वज बनकर पूरे महाभारत के युद्ध में उनकी रक्षा करते रहे। जब अंत में हनुमान जी अपने असली रूप में आए और वहां से चले गए, तब उसके कुछ क्षणों बाद अर्जुन का रथ युद्ध में राख बन गया था। तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि ये मामूली सा रथ चुटकियों में भस्म हो जाता, पर हनुमान जी की वजह से इसका बाल भी माका नहीं हुआ। अर्जुन को इस बात पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि उनके रथ की रक्षा कोई और नहीं बल्कि हनुमान जी कर रहे थे। उसके बाद आता है कलयुग, और हनुमान जी को कलयुग का जीवित देव कहा जाता है। भगवान हनुमान आज भी जीवित हैं और हमारे आसपास हैं। इसके कई सारे प्रूफ इस युग में भी मिलते हैं। हिंदू धर्म ग्रंथों में सभी देवताओं के स्वर्ग में वापस जाने की कहानियां देखने और सुनने को मिलती हैं। लेकिन इन सबसे अलग हैं हनुमान जी। किसी भी ग्रंथ में हनुमान जी के मरने और स्वर्ग में जाने की बात देखने को नहीं मिलती। कुछ महान लोगों ने उनके दर्शन करने की बात भी कही है, जिसमें तुलसीदास, स्वामी रामदास जैसे महापुरुष शामिल हैं। यहां तक कि तुलसीदास जी के पास स्वयं हनुमान जी आए थे उन्हें मार्गदर्शन देने। हनुमान जी को मानने वाले लोग कहते हैं कि हनुमान जी हर उस स्थान पर मौजूद हैं जहां उनके भक्त उन्हें सच्चे मन से बुलाते हैं, और जहां कहीं रामायण पढ़ी जाती है या श्री राम का नाम लिया जाता है वहां हनुमान जी आते हैं। लेकिन अगर धार्मिक मान्यता से अलग देखा जाए तो दुनिया भर में कई ऐसी जगह हैं जहां ऐसे पैरों के निशान बने हुए हैं जिन्हें देखने के बाद पता चलता है कि कोई ऐसा जीव मौजूद है जो आकार में बेहद विशाल है। दुनिया भर के अलग अलग देशों में ये पैरों के निशान काफी संख्या में पाए गए हैं। वैज्ञानिकों का ये दावा है कि ये निशान किसी ऐसे जीव के हैं जिसका शरीर काफी विशाल रहा होगा, और कई जगह पर ऐसे पैरों के निशानों को पूजा भी जाता है। दोस्तों, अगर मैं आपको कहूं कि एक कबीले से मिलने हनुमान जी आते हैं तो आपको यकीन होगा, लेकिन ये सच है। कहते हैं जब भगवान राम ने अपना मानव शरीर छोड़ दिया था तो हनुमान अयोध्या छोड़कर भगवान राम की याद में श्रीलंका के जंगलों में पिद्रू पर्वत पर चले गए। यहाँ के लोगों ने हनुमान जी की बड़ी सेवा की। उनकी भक्ति और सेवा से प्रसन्न होकर उन्हें ये वचन दिया कि वे हर 41 साल बाद उनके कबीले में उनके साथ रहने आएंगे और उन्हें आत्मज्ञान देंगे। साथ ही हनुमान जी ने उन्हें एक मंत्र भी दिया, काल तंतु कार्य चरंती एनर मरिष्णु निर्मुक्तेर काले त्वम अमरिष्णु। और इस मंत्र को देते हुए
कहा, जब भी तुम मेरे दर्शन करना चाहो तुम ये मंत्र पढ़ना, मैं पलक झपकते ही आ जाऊंगा। कबीले वालों ने हनुमान जी से पूछा, अगर ये मंत्र किसी और के हाथ लग गया और वह किसी गलत इस्तेमाल में करने लगा? तब हनुमान जी ने उनसे कहा कि यह मंत्र सिर्फ इस इंसान के लिए काम करेगा जिसको अपनी आत्मा का मुझसे जुड़े रहने का एहसास होगा, और जहां यह मंत्र पढ़ा जाएगा वहां से 980 मीटर तक ऐसा कोई भी इंसान नहीं होना चाहिए जो मुझ में विश्वास न रखता हो। यह जंगली आदिवासी समुदाय आज भी और श्रीलंका के जंगलों में एकदम समाज से बाहर, एकदम दूर है। इनका रहन सहन, पहनाव और भाषा भी एकदम अलग है। सेतु संगठन के अनुसार इस कबीले के समूह को मातंग लोगों का समाज कहा जाता है। ये समुदाय के लोगों को काफी ज्ञानी कहा जाता है, उनके पास आम लोगों से ज्यादा ज्ञान है। इस समुदाय पर लोगों का ध्यान तब गया जब राम सेतु संगठन ने उन्हें और अच्छी तरह जानने के लिए जंगली जीवन शैली अपनानी शुरू की और उनसे संपर्क साधना शुरू किया। उन समूह से जो जानकारी उन्हें मिली वह बेहद ही चौंका देने वाली थी। अध्ययनकर्ताओं के अनुसार मातंगों के हनुमान जी के साथ विचित्र संबंध है। फिर उनके विचित्र गतिविधियों पर गौर किया गया तो पता चला यह सिलसिला रामायण काल से चला रहा है। जब हनुमान जी उनके साथ होते हैं तब वह गतिविधियां करते हैं। सेतु संगठन के अनुसार जब हनुमान जी मातंगों के पास हर 41 साल के बाद रहने आते हैं, उस समय उनके द्वारा किए गए कार्यों और उनके द्वारा बोले गए शब्दों का प्रत्येक मिनट का वर्णन उन आदिवासियों के मुख्य बाबा मातंग अपनी हनु पुस्तिका में नोट करते रहते हैं। उनके हिसाब से जब 2014 में जब हनुमान जी यहाँ आए थे तो उस दौरान हनुमान जी द्वारा बताई गई सभी लीलाओं का विवरण भी इस पुस्तिका में नोट किया गया है। सेतु संगठन ने यह भी दावा किया है कि उनके संत विद्रू पर्वत की तलहटी में स्थित अपने आश्रम में एक पुस्तिका को समझकर इसका आधुनिक भाषा में अनुवाद करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इन आदिवासियों की भाषा इतनी पेचीदा है तो हनुमान जी की लीलाएं भी उससे कहीं ज्यादा पेचीदा बताई जा रही हैं, जिस कारण इस पुस्तिका को समझने में काफी समय लग रहा है। इन लोगों के अनुसार हनुमान जी आज भी जीवित हैं और हिमालय के जंगलों में रहते हैं। हनुमान जी 17 मई 2014 को उनसे मिलने आए थे और अब वह 41 साल बाद यानी 2055 में फिर से आएंगे। उन्होंने बताया पिछले साल एक रात कैसे उन्हें हनुमान जी के दर्शन हुए। सेतु अनुसार हनुमान जी ने मातंगों को एक बच्चे के पिछले जन्म की कहानी सुनाई और उन्होंने बताया कैसे हनुमान जी ने मातंगों के साथ शहद की खोज की और वहां क्या क्या घटनाएं घटित हुई। उन्होंने समय की अवधारणा को भी बताया, जब मनुष्य समय के बारे में सोचता है तो उसके मन में घड़ी का विचार आता है, लेकिन हनुमान जी तो चिरंजीवी हैं। हनुमान जी और अन्य देवों के लिए धरती का समय क्षणिक है, मनुष्य एक वर्ष देवी देवताओं के एक दिन के बराबर ही होता है। और ये सारी बातें हम नहीं कह रहे बल्कि सेतु संगठन की रिसर्च है। और इसी के साथ इंडिया से लेकर अमेरिका तक और अमेरिका से लेकर अफ्रीका तक हर जगह एक ताकतवर बंदर की कहानी मशहूर है। जैसे पड़ोसी देश चीन को ही लीजिए, उनके मंकी किंग और हनुमान जी के बीच बहुत ज्यादा समानताएं दिखाई देती हैं। चाइनीज माइथोलॉजी में कहा जाता है कि मंकी किंग से देवता भी नहीं लड़ सकते। मंकी किंग सबसे ताकतवर और बुद्धिमान था, बिल्कुल वैसे हनुमान जी भी ताकत और बुद्धि के प्रतीक हैं। अगर उन्हें रामायण में अपनी असली ताकत दिखाई होती तो वो लड़ाई चुटकियों में खत्म हो जाती। और बस चीन ही नहीं, दुनिया भर में कई जगह पर कई कहानियों में हनुमान जी ने अपने होने के संकेत दिए हैं और हम स्वयं हमारे धर्म पर यकीन नहीं कर रहे हैं और इन सब चीजों को झूठा कहते हैं। जबकि अब दूसरे देश के लोग भी हिंदू धर्म को मान रहे हैं, वही हम खुद इसे अपने से दूर कर रहे हैं। पर अब हमें फिर से हमारे धर्म को समझना चाहिए। अब आप इस पर क्या सोचते हैं हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। एक बार फिर मिलते हैं एक और ऐसे ही वीडियो के साथ। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।